बाद में एससी जाति की कैटेगरी की प्रमाण पत्र की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय पर लोधी, बंजारा, मल्लाह, खुरपलटा, मोगिया, मदारी जाति के व्यक्तियों ने जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर धरना दिया। उनकी मांग थी कि जब तक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करते हैं, लेखपाल उसको यह कहकर निरस्त कर देता है कि आप ओबीसी की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन सरकार की अलग श्रेणी में रखा है। इसी को लेकर उन्होंने धरना दिया। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। रघुनाथ सिंह वर्मा ने इस मुद्दे को ज्वलंत तरीके से उठाया था और उस समय लग रहा था कुछ होगा, लेकिन आप लोगों ने उनको जैसे अब जोश में आए हो, अगर उस समय रघुनाथ सिंह वर्मा का आपके साथ दिया होता तो आपकी तभी समस्या का समाधान हो रहा था। लंबे समय तक उन्होंने यहाँ से लेके दिल्ली तक लड़ाई लड़ी है। रघुनाथ सिंह वर्मा पूर्व सांसद जी हमारे कुतुबपुर के हैं, हमारे हमारे उनका बेदर जी है, पास ही है, मैं भी वहीं का हूँ, मैं जसराना देहात का हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ बनते हैं उन लोगों के बन जाते जिनके नहीं बनने चाहिए। चुनाव पर मैंने देखा है बने हैं लोग, कभी वो खुशी जात में थे, उसके बाद कुछ और हो गई, प्रमाण पत्र जारी किए गए उनको, पहले पिछड़ी जात के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद वो फिर दलित हो गए, दलित से मंत्री हो गए, लेकिन जो वास्तव में जिनका बनना चाहिए, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं जिनका बनना चाहिए उसका बनाइए, बनना ये ज्वलंत ज्वाला आगे बढ़ेगी। आपको केवल केवल वो एक वोट के लिए इस्तेमाल न करें, उनके अधिकारों की भी पूर्ति करें और हम आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ हैं। हमारे डॉक्टर साहब हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी है। प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन ये पोर्टल पे हम आवेदन करते हैं हमारे बच्चे, तो उस प्रमाण पत्र को लेखपाल ये कह के निरस्त कर देता है कि आप ओबीसी में आते हैं इसलिए आप इस श्रेणी में नहीं आते, जबकि सरकार ने सर्कुलर जारी किया है, ओबीसी का अलग है और इसका अलग है। अगर हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में जाते हैं तो ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा उनको, अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो डीटी डीएनटी का मिलेगा, तो हमें डीटी डीएनटी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाता है भाई, मिलना चाहिए। इसके लिए अभी हमारे ये फेडरेशन बनाया ऑल ओवर इंडिया का, डीएनटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें 28 प्रांतों के प्रतिनिधि आए, मैं वहीं से लौटा हूँ कल रात को, दो दिन का अधिवेशन था, हम छोड़ेंगे नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तुमको जो है तुम कैसे विश्वगुरु बन जाओगे जब इस देश के जो हमारे की खाई में ही हमारे देश के साथ अन्याय हो रहा है, 25 करोड़ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, आज वो जनता तुमको विश्वगुरु बनाएगी क्या? ये मैं ऐलान करके कहना चाहता हूँ, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं हमने बहुत हाथ जोड़ लिए, आरती उतार ली, प्रार्थनाएं कर ली, आखिर तुम हमारी बात को इंसानियत संविधान के तहत नहीं सुनना चाहते हो? कैसा तुम्हारा लोकतंत्र है? तुमने लोकतंत्र को राजतंत्र बना रखा है कि राजा कहेगा वही होगा, ऐसा नहीं होगा। संविधान को हटाना चाहते हो क्या? संविधान लोकतंत्र से, लोकतंत्र संविधान से चलता है और राजतंत्र राजा के आदेश से चलता है। तुम संविधान का पालन नहीं कर रहे, लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहे, तुम राजतंत्र राजा का आदेश चला रहे हो और ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं हो, कुछ भी होता रहे। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जब तक हमारे लोग यहां से नहीं हटेंगे, जब तक डीएम साहब आकर के ये नहीं हमसे कहें कि सारे तहसीलदार एसडीएम को बुला करके हम आपके सामने आदेश करते हैं कि हर तहसील में ये प्रमाण पत्र जारी किया जाए, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे।